मोदी जी, इसीलिए मैं टोकरी निर्माण का काम तुम्हारे साथ करना ही नहीं चाहता था। अब देखो मेरी टोकरी बिल्कुल बनके तैयार होने वाली है, अभी तुमसे एक टोकरी बनके तैयार नहीं हुई है। राहुल एक बात बताओ, तुम तो टोकरी के अंदर बैठ के टोकरी का निर्माण करती हो, जबकि मैं कोई टोकरी के अंदर थोड़ी बैठता हूँ, टोकरी को बाहर से ही बनाता हूँ अच्छी तरीके से लकड़ी से, और मेरी टोकरी मजबूत भी होती है। तुम तो टोकरी के अंदर बैठे बैठे टोकरी को बनाते हो, आधी टोकरी तो तुम तोड़ देते हो। अरे राहुल, योगी जी चले आ रहे, ये तो बहुत बड़े व्यापारी हैं टोकरी के, शहर से ये चले आ रहे हैं लगता है। मोदी जी, राहुल जी नमस्कार। नमस्कार योगी जी, नमस्कार बोलिए। इस बार कितनी टोकरी ले जाओगे हमारे गांव से अपने शहर में? मोदी जी इस बार बहुत ज्यादा टोकरी की जरूरत है, शहर में टोकरी की बिक्री बढ़ती जा रही है, और आप लोगों को तो मालूम ही है कि शहर में मेरा टोकरी का बिजनेस बहुत बड़ा है, और जब भी मुझे टोकरी खरीदने की जरूरत पड़ती है मैं आप ही के पास चला आता हूँ, क्योंकि आपकी टोकरी बनी हुई बहुत अच्छी होती है। खासकर राहुल जी, आप टोकरी बहुत अच्छी बनाते हो, टोकरी के अंदर बैठ के बड़ा मजबूत टोकरी बनाते हो। तो योगी जी, क्या मैं टोकरी गलत बनाता हूँ? ये एक बात बताओ, क्या गलत बनाता हूँ? अगर मैं गलत टोकरी बनाता हूँ तो हमारे पास टोकरी लेने के लिए आते ही क्यों हो तुम? अरे मोदी जी आप तो भड़क गए। मोदी जी आप और राहुल जी आप मिलके ही तो पार्टनरशिप में ही तो टोकरी बनाते हो, और मैं आप ही के पास टोकरी खरीदने के लिए आता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता था कि राहुल जी की बनी हुई टोकरी थोड़ी अच्छी होती है। योगी जी आप साफ साफ को ना कहो कि मेरी टोकरी बनी हुई थोड़ी बेकार होती है राहुल के मुकाबले। मोदी जी अगर आप समझ गए तो समझ जाओ, कहने का तो मेरा यही मतलब है। मोदी जी देख लिया आपने, योगी जी मेरी बनाई हुई टोकरी की तारीफ ही कर रहे हैं। चलो योगी जी वो बातें तो छोड़ो, एक बात बताओ कितनी टोकरी की जरूरत है आपको? फिलहाल मोदी जी, योगी जी 50 टोकरी बना के तैयार कर दो, 50 टोकरी मैं आज ले जाऊंगा। लेकिन योगी जी आपको एक बात साफ साफ बता दे रहे हैं, पिछली बार आप हमसे टोकरी सस्ती ले गए थे, इस बार टोकरी का दाम बढ़ गया है, पिछले रेट में टोकरी नहीं मिलेगी। मोदी जी पिछली बार आपने 100 रुपए की एक टोकरी लगा के दी थी, इस बार क्या रेट होगा? योगी जी इस बार हम 200 रुपए की एक टोकरी बेच रहे हैं। अरे मोदी जी आपने तो टोकरी का दाम बिल्कुल डबल कर दिया। क्या बताऊँ, आपके अलावा मैं किसी से टोकरी खरीदता ही नहीं हूँ। दे दो टोकरी, और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे केजरीवाल कैसे हल्के हल्के भाग रहे हो, तेजी से भागो, अरे बस छूट जाएगी, निकल जाएगी बस। अरे वो देखो योगी जी तो चढ़ गए बस पर, योगी जी आपकी हत्या तो आ गई बस। अरे मोदी जी ऐसे बस हत्या आई है, बहुत तेजी से भाग लगाई है तो पकड़ मिली है ये बस, और पकड़ भी क्या मिली है, पीछे बाहर खिड़की पे लटका पड़ा हूँ मैं बस के। लेकिन मोदी जी आपका भी जवाब नहीं है, कितनी तेज भाग लगाती हो मैं आपको पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, इतनी तेज भाग रहे हो आप। मुझे लगता है आप बेफालतू में इस बस के पीछे पड़े हो, अगर अपना ऐसी भाग लगाए तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर अपना घर है, मिनटों में पहुँच जाएंगे। जिस तरीके से आप भाग रहे हो उस तरीके से अगर भागे तो। केजरीवाल तुम्हारी हमेशा मस्करी बातें रहती हैं, मैं तो बस पकड़ के ही घर जाऊंगा, अगर तुम भाग कर घर जाना चाहती हो चले जाओ। अरे राहुल तुम कैसे पीछे रह गए, तुम तो सबसे पीछे रह गए बिल्कुल। अरे मोदी जी मैं पीछे नहीं रह गया, इधर बस के पीछे वाले दरवाजे पर लोग कम है, इसीलिए मैं इस बस में पीछे के दरवाजे से बस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे मोदी जी ये बस तो बिल्कुल फुल है, इसमें कैसे घुसोगे अंदर? बाहर पीछे लटके लटके भी मेरे हाथ दर्द करने लगे, मैं आपको सलाह देता हूँ इस बस को यहीं पे छोड़ दो। मेरे बराबर में लालू जी, अखिलेश, ओवैसी जी को कम से कम बस के दरवाजे पे पैर रखने की जगह तो मिल गई, मुझे तो पैर रखने की भी जगह नहीं मिल पा रही है, मैं तो सिर्फ हाथ से लटका पड़ा हूँ। बहुत भीड़ है मोदी जी बस में, बहुत भीड़ है, होली के मौके पर इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। अब अगर इस बस को छोड़ रहे हो तो अगली बस पता नहीं कब आएगी, यहीं पे पड़े रह जाओगे, इसलिए जाना भी पड़ रहा है बस में बैठ के। अरे लालू जी बस में बैठ के कहाँ जाना पड़ रहा है, लटक के जाना पड़ रहा है, बिल्कुल बाहर लटक के। ऐसे तो अपना 2 घंटे का सफर है, 2 घंटे तक यूं ही लटके रहोगे, हाथ दर्द करने लगेंगे 2 घंटे में तो। लालू जी इस बस को रुकवाओ, मैं तो यहीं पे उतर रहा हूँ भाई, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे हाथ तो अभी से दर्द करने लगे बस के बाहर लटके लटके। केजरीवाल इस बस को छोड़ दो, भाड़ में जाए ऐसी बस, भाई अगली बस का इंतजार करते हैं, ये तो बस बिल्कुल हाउसफुल है, इसमें बाहर लटक के कहाँ जाओगे, ये तो बिल्कुल फुल है। अपनी बस की बात नहीं है, इस बस में बाहर लटक के जाए, और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल एक बात बताओ, इस रेडियो को क्या गांव वालों को दिखाने के लिए लाए हो? अरे 2-4 मजेदार गाने सुनाओ इसमें। नहीं राहुल गाने मत सुनाओ, भजन लगा दो इसमें भजन। जरा अपने रेडियो का पहिया घुमाओ, देखो कहाँ पर सिग्नल मिल रहा है, जहाँ पर भी भजन आता हो एक भजन लगा दो अपने इस रेडियो में। अरे योगी जी मोदी जी भजन या गाने कैसे करके सुनाऊं, ये रेडियो तो अभी बज ही नहीं सकता। क्यों नहीं बज सकता राहुल,
खराब रेडियो लेकर आए हो गांव में क्या तुम? या ये रेडियो नकली है, दिखाने के लिए लाए हो गांव वालों को? बताओ। अरे मोदी जी, इस रेडियो को बचाने के लिए बैटरी डालना पड़ती है। बैटरी तो लाओ। बैटरी लाओ, बैटरी मैं कहाँ से लाऊं? बैटरी तो तुम ऐसे मांग रहे हो जैसे मंदिर का प्रसाद मांगते हो। रेडियो तुम्हारा है, बैटरी मैं क्यों लाऊं? अरे मोदी जी, इस साल गेहूं की फसल की अच्छी पैदावार हुई थी, इसीलिए मैंने ये रेडियो खरीद लिया। लेकिन मुझे क्या पता था इस रेडियो को बजाने के लिए इसमें बैटरी भी डालना पड़ती है। अब सारे के सारे पैसे तो इस रेडियो को खरीदने में खर्च हो गए, तो मैं बैटरी कहाँ से लाऊं? आप ही बताओ। ऐसा करो योगी जी, लालू जी, अखिलेश, मोदी जी, आप सब मिलकर पैसे इकट्ठे कर लो और इस रेडियो के लिए बैटरी खरीद लो, 3 बैटरी। फिर जब तक ये बैटरी खराब नहीं हो जाएंगी, तब तक आप लोग गाने, भजन, कीर्तन सब कुछ इस रेडियो में सुनते रहना। भाई सबसे पहले मेरा निर्णय सुन लो, इस रेडियो के बैटरी के लिए मैं 1 धेला भी नहीं दूंगा। अरे रेडियो तुम्हारा राहुल, और बैटरी के लिए पैसे हम दें? बैटरी के लिए पैसे दोगे लालू जी तो फ्री में गाने नहीं सुनोगे? तुम्हें तो पुराने गाने वैसे बहुत पसंद है, दिलीप कुमार जी और देवानंद जी के गाने तो तभी सुनोगे जब तुम सब मिलकर मेरे रेडियो के लिए बैटरी खरीद कर दोगे। चलो राहुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बैटरी के लिए पैसे देता हूँ। पहले ये बताओ, एक बार जो बैटरी इस रेडियो में पड़ जाएगी कितने दिन तक चलेगी वो? देखो योगी जी, मैं भी पहली बार ही इस रेडियो में बैटरी डालूंगा, तो मुझे पता नहीं है कि इसमें एक बार बैटरी डालने पर कितने दिन तक चलता है ये रेडियो। तो राहुल, ऐसा रेडियो जाए बाहर में, वो देखो अखिलेश तो उठ के यहाँ से चला गया और हम भी यहाँ से जा रहे हैं। तुम्हारा रेडियो तुम्ही को मुबारक हो, अपने आप इसमें बैटरी डलवाओ, अपने आप बजाओ और भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, कैसे हल्के हल्के ठेले को चला रहे हो? सुबह से गांव से चले हैं, शाम होने को जा रही है, अभी तक शहर नहीं पहुँचे। ठेले की थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। अरे योगी जी, इस ठेले में क्या इंजन लगा हुआ है जो स्पीड बढ़ा दूंगा मैं? अरे भाई योगी जी, सुबह से मैं ठेले को चला रहा हूँ, अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं सही तरीके से इस ठेले को नहीं चला पा रहा हूँ। मैं आराम करूंगा इस ठेले को यहीं पे रोक के। वैसे सोनिया जी और राहुल, तुम शहर में जाकर क्या करोगे? अरे मोदी जी, इस गांव में तो कोई काम काज रहा नहीं, सोच रहे हैं शहर में ही जाकर आराम से मजदूरी करेंगे। वैसे आप मोदी जी, ये ठेला चलाकर कितने रुपए की मजदूरी कर लेते हो? कहाँ राहुल, ज्यादा मजदूरी हो पाती है अपने गांव में ठेला चलाकर? वो तो कभी कभी अच्छी मजदूरी हो जाती है, जैसे आज ही ले लो, आज सही मजदूरी हो जाएगी। आज तुम्हें, सोनिया जी को और योगी जी को मैं गांव से शहर ले जा रहा हूँ, तो तुम सब लोगों को शहर पहुँचाने के मुझे 500 रुपए मिलेंगे। 500 रुपए मोदी जी कम है, 500 रुपए भी बहुत होते हैं। मैं राहुल हमेशा तुझसे कहती थी कि एक ठेला खरीद ले, ठेला खरीद ले, तूने एक नहीं सुनी मेरी। अब शहर जाकर काम करने से क्या फायदा मिलेगा? आधा पैसा तो शहर में खाने खर्चे में खत्म हो जाएगा। अरे सोनिया जी, राहुल को शहर में ही जाकर काम करने दो, ठेला चलाने में भी कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको बताया नहीं, कभी कभी ज्यादा मजदूरी हो जाती है, जैसे आज ही हो गई, वैसे किसी दिन भी ज्यादा मजदूरी नहीं होती है गांव में। अरे भाई साहब, ठेले को यहीं पे रोक लो, रोक लो यहीं पे ठेले को। जी बोलो भाई साहब, क्या बात है? हमें भी शहर ले चलो इस ठेले में बैठा कर, जो किराया होगा दे देंगे तुम्हारा। काफी देर से बस का इंतजार कर रहे हैं, बस आ ही नहीं रही है। देखो भाई साहब, तुम 2 लोग हो, मैं 1 लोग को अपने ठेले पर ले जा सकता हूँ, 2 लोगों को ठेले पर बैठा कर नहीं ले जा सकता। तो भाई साहब मुझे ले चलो, इन्हें छोड़ जाओ लालू जी को, मुझे ले चलो, मुझे बहुत जरूरी काम है शहर में। ऐसा कैसे तुम्हें ले जाएंगे केजरीवाल? इस ठेले को मैंने रोका है, तो मैं ही जाऊंगा इस ठेले में। अरे नहीं लालू जी, इस ठेले में मैं ही जाऊंगा, तुमने रोका है तो क्या हो गया? देखो भाई साहब, तुम आपस में मत लड़ो, मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं ले जाऊंगा अपने ठेले में, लड़ो मत तुम, और एक दूसरे का साथ छोड़कर मत जाओ तुम। बस आती होगी, बस पर दोनों जने इकट्ठे आ जाना, और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।